जैसा कि आप तमाम लोग इस बात से वाकिफ है कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम लीग की जानिब से जो ट्रस्ट है मजलिस करेंगे इसके तहत हमने फैसला लिया कि हैदराबाद के मुख्तलिफ मजहबी इबादत गाहें चाहे मसाजिद हो गुरुद्वारा हो मंदिर हो या चर्च हो यहाँ पर हम लोग एक सैनिटाइजर की मशीन देना चाह रहे हैं और ये फैसला भी लिया गया आर्डर भी दिया गया और इंशाल्लाह ताला इसकी कुल लागत कॉस्ट जो है 230 छोटे मशीन है एक लीटर के और 28 बड़े मशीन है 5 लीटर के बराबर और उसकी कुल लागत की कीमत 19 लाख रुपये है और हमारा मकसद ये भी है क्योंकि आज से पूरे मुल्क में तमाम मजहबी इबादत गाहें खुल दी गई है और जाहिर है बहुत से लोग की मजहबी इबादत गाहों को जाएंगे इबादत करने के लिए तो हम यही चाहते हैं कि वो अपनी इबादत गाह में जाने से पहले ये सैनिटाइजर जो हम दे रहे हैं वो अपनी इबादत गाह के अंदर के बाहर जो भी मुनासिब जगह है जहाँ पर अंदर जाने से पहले लोग अपने हाथ में सैनिटाइजर के जरिए से साफ कर सके और वो अपने आप को बचा सके दूसरे लोगों को इस वायरस से बचा सके ये इसलिए बहुत जरूरी है कि पूरे मुल्क में ये कोविड वायरस बहुत तेजी से बढ़ रहा है 6,500 के ऊपर से ज्यादा लोग की मौत हो चुकी है करीब 3 लाख के करीब तो इस वायरस के शिकार हो चुके हैं और पूरी दुनिया में हमारा मुल्क 5वें मुकाम तक पहुंच चुका है पूरी दुनिया के मुकाबले में तो ये बात साफ है कि ये वायरस खत्म नहीं हो रहा है ये वायरस बढ़ रहा है और इस वायरस का आप जानते हैं कि अभी तक इसकी कोई दवा नहीं है और जहां तक मेरा मुशाहिदा मुझे मालूम है इसमें शुरू में लोग कह रहे थे कि सिर्फ सही लोग ही इसमें इनकी मौत होगी ऐसा नहीं है इसमें यकीनन भी बड़ी तादाद सही लोगों की है उन लोगों की भी मौत हुई है जो पहले से ही जिसको मेडिकल कोमॉर्बिडिटी होते हैं पहले से ही कोई बीमारी थी मगर इसमें नौजवान बच्चों की मौत हो रही है 40 साल के उम्र के कई लोगों की मौत हुई है और हमारे जानने में हमारे जवान के बहुत ही करीब जाने वाले विनाश का इंतजार हुआ अलगसुंदी जान गया हमें कुशलिया रोटी में रहते थे पट्टी कूरियर्स का बच्चा था और जवान इंतजार हो गया इसी कोविड वायरस से इसलिए भी आप मीडिया के जरिए जो देख रहे हैं आप तमाम से मेरी गुजारिश है अपील है एक शर्मंदा अपील है कि खुदा के लिए अपने आप को बचाइए और बचाने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए अपने आप को धोते रहिए अगर आपके घर में कोई बीमार है जिनको बुखार है खांसी है उनको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है तो फौरन आप उनको अस्पताल से रुजू करिए गवर्नमेंट के देर मत करिए बहुत से ऐसे केसेस है मैं नाम नहीं लेना चाहता कि मैं कई लोगों को बोला कि फौरन अस्पताल से रुजू करो तो उन हजरात ने ये कहा कि नहीं नहीं बुखार है एक दो दिन में खत्म हो जाएगा मगर हुआ ये कि उनकी गलती की वजह से नादानी की वजह से जो एक दो दिन वो इंतजार किए ये मर्ज वायरस बहुत बढ़ गया उसके बाद जब अस्पताल को लेकर गए तो उनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ा
बात बच गए, बात की मौत हो गई। इसलिए ये कोई मायूस बात नहीं है, ये वायरस है, बदबख्ती की बात ये है, अफसोस की बात ये है। जिस किसी को ये वायरस हो रहा है, हम लोग ये समझ रहे हैं कि बड़ी खराब बात है, गंदी बात है, मेरी बीमारी बीमार कोई भी हो सकता है। इसको जिस तरह से देखने की स्टिग्मा इसको लगाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। इसको आप अपने हृदय पर से निकालिए, कोई भी बीमार हो सकता है। बशर्ते मेरे की जरूरत नहीं है, बात बताने की जरूरत नहीं है। यकीन हम तमाम की कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बीमारी से अपने आप को बचाएं। और दूसरी बात, जब आप तमाम चीजें तकरीबन खुल चुकी है, मेरे आवाम से अपील है कि मास्क लगाए बगैर बाहर मत निकलिए। मास्क लगाकर भी अपने घर से निकलिए, चाहे वो आप गरीब हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, मास्क बगैर लगाए मत निकलिए। मेरे खास तौर से हमारे ऑटो ड्राइवर विभाग से भी ये गुजारिश है कि वो भी मास्क लगाइए। यकीनन 2 महीने से आपको बहुत तकलीफ हुई, आपकी आमदनी है बिल्कुल कोई आमदनी आपको नहीं हुई, मगर ये एहतियाती तदाबीर जिसका हुकूमत और तमाम मेडिकल हेल्थ के एक्सपर्ट हमसे कह रहे हैं, उस पर अमल करना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कल तेलंगाना में 14 लोगों की मौत हुई है, 150-200 रोज तेलंगाना में केसेस आ रहे हैं। ये साफ ये बता रहा है कि ये वायरस फैल रहा है, ये वायरस रुक नहीं रहा है। और खुदा ना खास्ता अगर किसी को ये वायरस होता है तो फौरन अस्पताल से रजू करिए, और इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह ताला सही वक्त पर आप अस्पताल से रजू हो जाएंगे तो आपका इलाज भी शुरू हो जाएगा, और इंशाल्लाह ताला ये आपको बहुत बड़ा राहत का मालिक बनेगा। मैं साथ ही साथ जो हजरात मसाजिद को जा रहे हैं, मैं मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारों से पहले भी अपील कर रहा हूँ और आज भी फिर कर रहा हूँ कि मस्जिद में 65 साल के बुजुर्ग हजरात मस्जिद को ना जाए, वो हरगिज ना जाए। अगर हमारे बुजुर्ग ये समझते हैं कि नहीं मुझे जाना है तो आप हिमाकत कर रहे हैं। आपकी हिमाकत की वजह से अगर आपको आप बीमार पड़ जाएंगे तो इससे आपको तकलीफ होगी, आपके रिश्तेदारों को, आपके घर वालों को तकलीफ होगी। जो हजरात बीमार हैं, जिनको बुखार है, मामूली सा बुखार भी होगा या मामूली सी खांसी भी होगी तो प्लीज मत जाइए मस्जिद को। तीसरी बात यह है कि मस्जिद को बच्चों को लेके मत जाइए, हिमाकत मत करिए। हमको बड़ा शौक है कि मस्जिद को बच्चे को लेकर गए तो समझते हैं वाह वाह बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। वैसे के वालिद आपकी जिम्मेदारी इस वक्त में यह है कि आप अपने बच्चों को जो 10 साल या 12 साल में घर में नमाज पढ़े साथ पढ़ रहे। चौथी बात यह है कि जब आप मस्जिद को जाएंगे तो मास्क लगा कर जाइए। जामिया निजामिया के उलमाओं ने और मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब ने ये फरमा दिया है कि क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, दीन इस्लाम आपको ऐसे वक्त में इस बात की इजाजत देता है कि आप मास्क लगाकर अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। और जब आप मंदिर पर जाएंगे तो हमेशा की तरह ये है कि हम लोग खंधे से खंधा मिलाकर सब बनाते हैं, वो क्योंकि वायरस अपने रूज पर है। आप तमाम को ये फतवा दिया गया है जामिया निजामिया से और वहां भारत सैफुल्लाह रहमानी के महादल इस्लाम के अरसे से कि सोशल डिस्टेंसिंग को 2 फीट का 2.5 फीट का फासला रखिए, इससे भी नमाज अदा होती है। कंधे से कंधा मिलाकर सब बनाना जो हमेशा हम करते हैं, वो क्योंकि वायरस अपने रूज पर है, आप ये ना करें। ऐसा आप करेंगे तो आपको वायरस लग सकता है। तीसरी बात यह है कि मसाजिद में हम तमाम से गुजारिश कर रहे हैं कि जहां पर कारपेट है आप उस कारपेट को निकालिए, प्लेन पत्थर पे नमाज पढ़िए, क्योंकि उसको पत्थर को साफ करने में आसानी होती है।
छठी बात यह है कि आप मस्जिद को जा रहे हैं तो अपनी जानिमाज आपके पास है तो लेकर जाइए, उसको बिछाकर उस पर नमाज पढ़िए। जानिमाज देंगे तो आपके पास कोई कपड़ा होगा या जो हम रुमाल बांधते उसको लेकर जाइए, उसको बिछाइए, नमाज पढ़िए। मस्जिद में जब तक वायरस खत्म नहीं होता वजू का इंतजाम पानी मुहैया नहीं किया जाना चाहिए और बैतुल खला टॉयलेट को बंद रखना चाहिए। बैतुल खला से वजू एक जगह करने से बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, इसीलिए किसी भी हाल में बैतुल खला टॉयलेट और वजू के पानी का इंतजाम नहीं होना चाहिए। आपको अपने घर से ही वजू करके जाना चाहिए। सातवीं बात यह है कि मस्जिद को जाने से पहले सुन्नत की नमाज अपने घर में पढ़िए, फर्ज पढ़ के फौरन घर को वापस आइए और सुन्नत और नवाफिल अपने घर में अदा करिए। जुमे के दिन तमाम आइमाए मस्जिद से गुजारिश है कि जुमे का खुतबा मुख्तसर रखें, फौरन फर्ज की नमाज अदा होगी दो रकात, उसके बाद अपने फौरन घर को रवाना हो जाइए और घर को जाकर सुन्नत और नवाफिल अदा करिए जुमे के दिन। और उम्मीद करते हैं कि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार, मस्जिद के इमाम और खतीब अपने खुतबे से पहले इस बात को आवाम के सामने दोहराएंगे। ये एहतियाती इकदाम बहुत जरूरी है। मस्जिद को जाएंगे तो घर से वजू करके जाएंगे, चेहरे पर मास्क लगाकर नमाज पढ़ेंगे, मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखेंगे और बुजुर्गों को मस्जिद नहीं जाने देंगे, बच्चों को लेकर नहीं जाने देंगे। ये अहम तदाबीर है, ये अहम गुजारिशात है जो आपकी सेहत के लिए, आपकी जान बचाने के लिए, हमारी रियासत के लिए, हमारे वतन के लिए बेहद जरूरी है। मैं आवाम से इल्तिजा करता हूँ कि आप इस पर अमल करिए और ताकि आप अपने आप को बचा सके, इस बीमारी से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमको छुटकारा दे सके। और ये जो मशीन दी गई है इसमें जो हम इसके साथ एक्स्ट्रा 3 सैनिटाइजर कैंस दे रहे हैं ताकि कम से कम 5 लीटर के 3 दे, 1 लीटर के 3, तो ये हम इंशाल्लाह कम से कम 1 महीने तक इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मस्जिद जो मस्जिद कमेटी और मंदिर और चर गुरुद्वारा के लोगों को ये कमेटी को दिया जा रहा है, उनसे गुजारिश है कि इसको इस्तेमाल करिए और जब ये खत्म हो जाएगा तो उसको रिफिल भी कराइए। अब तो हमको दे रहे हैं 1 महीना चलेगा इंशाल्लाह आपको, मगर इसको म्यूजियम में रखने का नहीं है, इस्तेमाल करना है। और ये बहुत जरूरी है कि आपके पास एक आपको मिल जाएगा, किसी के लिए बड़ी बात नहीं है, मगर इसको इस्तेमाल करिए और ताकि हम अपनी बादशाहों को साफ सुथरा और पाक रख सके, वहां पर आने वालों को उनकी जान की और इस वायरस से उनकी हिफाजत हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मजलिस की तरफ से कोशिश की जा रही है और उम्मीद करता हूँ कि दीगर तंजीम, दीगर जिम्मेदारान भी इस तरह की कोशिश करेंगे, अपनी अपनी इबादत गाहों के पास इस तरह का इंतजाम करेंगे, सैनिटाइजर रखेंगे और हमको मिलकर इस वायरस का मुकाबला करना है। ये बड़ा खतरनाक तरीके से वायरस फैल रहा है। अस्पताल में आप देख रहे हैं पूरे मुल्क के अस्पतालों में इतनी कैपेसिटी नहीं है। मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जो इस तरह के वायरस का मुकाबला कर सके। तो ये बहुत जरूरी है कि हमको मिलकर इसका एहतियात से काम करना है और मैं तो समझता हूँ कि ये नॉर्मल हो जाएगा कि हर एक को अपने चेहरे पर मास्क लगाकर काम करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना पड़ेगा। और कल ही हमारे TV5 के 33 साल के मादना पेट के रहने वाले बच्चे की मौत हुई, बेचारे की, उसकी बीवी हामिला है
तो आपसे भी गुजारिश है मीडिया के लोगों से भी कि जरूर काम करिए, मगर याद रखिए कि आपके घर में आपकी घरवाले हैं, आपके माँ बाप है, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी है, अपनी जान को खतरे में डालकर बल्कि काम मत करिए। जहां कहीं भी आपको और आपको लगता है बीमार है, फौरन अस्पताल से रुजू होइए, हमको बताइए, हम भी कोशिश करेंगे ताकि आपको फौरन बर्वा टाइमली आपको मेडिकल हेल्प मिल सके। इसको आप ये मत समझिए कि नहीं नहीं ये फटिया है, बुखार है, सीजन आ रहा, बारिश का संबंध, इसको इजी मत लीजिए। बिल्कुल इसको सीरियस लेकर हमको काम करने की जरूरत है। तो मैं इंशाल्लाह ताला जो जो जिम्मेदार है हमारे मंदिर के, मस्जिद के, गुरुद्वारा के चर्च से गुजारिश करता हूँ कि एक बार एक हमारे जिम्मेदार उनको लाए और इंशाल्लाह ताला उनको हम ये हैंड ओवर कर दें। शुक्रिया। आप What is it that they are speaking to the Chinese? What exactly are they speaking to the Chinese? Because our army people and the Chinese people are talking to each other. What is it that the government of India, led by Mr. Modi, is speaking to the Chinese? Please tell the country. Why are they embarrassed? Why are they maintaining this silence? Can they tell us that whether the Chinese have occupied the Indian territory in Ladakh, in the Darbar Valley, if they have not occupied, then what is it that you are speaking to? The country should know. Instead of making all these loud voices came to the public meeting, please enlighten all of us. The country has the right to know. We demand to know from Mr. Modi, our Prime Minister, what is it that you are speaking to the Chinese? What is it? Please tell us on how much territory has the Chinese army occupied the Indian territory? How many Chinese soldiers are there? And let the country be told after every meeting which takes place. Why is selective leaks to selective only journalists? It is a fact, in my opinion, that the Chinese have encroached in India and occupied the Indian territory. This has been their modus operandi. That once the snow starts to melt, they come and occupy Indian territory, and it keeps on increasing. This has to stop. You have people from Ladakh who are giving out video statements, who are seeing the Chinese army occupying more land than what they had last year. So this is a matter of concern, and the country should be taken into confidence. Maybe the Prime Minister can say it is next Monday bath, whenever he wants to say, and we maybe after hearing it, the BJP supporters can do some Thali Bajao and India Tara. How you see all these videos being released by Chinese media and Chinese social media, government owned all these media houses and channels? They are releasing all the. This is psychological warfare. Now the Chinese will do it, we know that. But the government of India should also tell the country. I am not concerned about what the Chinese media is releasing, the Global Times releasing all those videos. I am more concerned about what my government is doing. What my Prime Minister has to tell the country, that how much territory has the Chinese army occupied in Ladakh, in Dalwan Valley, Pongsan Su, in all those eight fingers. Tell the country what is wrong with that.
Because you don't want to say because your approval rating will take a hit. Why is so much of silence being maintained by BJP and RSS voters? Why are they keeping quiet? Their constitutional duty, they imposed a lockdown, which I have been saying from day one, it is unconstitutional. Law and order, public health, our state subject in the state list. It was unconstitutional, it was unplanned. When this unconstitutional, unplanned lockdown was imposed on all the states by Mr. Modi's government, at that time the virus, only 560 people had virus. Now we are nearly 3 lakh people have virus. And you are opening the economy now. So to impose a lockdown, the great visionary called Mr. Modi took only 4 hours to impose lockdown. Now this great visionary gives 8 days time to lift the lockdown. When more than crores of migrant laborers have gone back to respective states, you have opened the economy now. You have not ramped up medical infrastructure during this 2 months lockdown, and that is why you see in the state of Gujarat the fatality rate is higher than the national average. The fatality rate is higher than the national average. Media does not talk about it. Why? Because they don't want to show BJP's failures. They are only there to show what Modi is saying, what Modi has done. But the reality is different. This government has completely failed, and 20 crore people have lost their jobs. Out of that, nearly 8 crore people belong to migrant laborers, contract workers, domestic helpers. Can all these 12 crore people get back their jobs? What is the plan of the government of Mr. Modi? Zero. There is no plan. There is no plan to even provide any succor to them. What is the government headed by Mr. Modi? Help the state government. Please tell us. Nothing has been helped. No state government has been helped. You take our state of Telangana. Here the Chief Minister has been demanding that the loans of state government should be deferred. You are not agreeing to that. We have increased FRPM limits from 3 to 5 with conditions. And the Chief Minister rightfully said, are we beggars? Ways and means advance, make it 100%, we don't want to do it. In Bihar, Nitish Kumar has completely failed as the Chief Minister. He was the Chief Minister who went on record and said, please don't allow trains to come to Bihar. And this migrant laborers, majority of them come from Bihar and UP. You have seen that how badly he has managed the whole migrant laborers issue in Bihar. And that is why when all these migrant laborers have gone back to Bihar, at such a time, you are holding a virtual rally. These are the questions which the government should have addressed. You are not addressing these issues. You are trying to pull over the people of India, especially those poor people who have been made, whose sufferings have been made a joke. There is no empathy being shown by the government of the day about these poor people who have lost everything. Who is responsible for
from May 9 to May 26, 85 migrant labourers died in the train. Who's going to pay for their lives? All of them belong to OBC, scheduled caste. They were tribal people. Don't these disadvantaged people have a premium on their life? Where is our country heading to? 85 people, 150 people have been, these migrants have died. You talk about an elephant, what about these poor people? Who will speak for them? A journalist died yesterday. This is the priority being set by the ruling party. What is the cost of a human being life? Nothing is there because he's poor, he's a BC, he's a Muslim, he's a Dalit. That is why you are saying this sort of problems rising and pain is increasing for all the poor people of India. What do you see, sir, now? What is the way forward? Now, people are suffering, cases are increasing. In state also, in Hyderabad also, we are witnessing several cases. Daily, in fact, death and positive cases are emerging and reported in Hyderabad, across country also. As a member of parliament, how you see government and country should handle the situation? You want more extensive lockdown now, or what is the solution? Sir, adding to that, Kejriwal, people in Delhi will be treated. You see, the Delhi chief minister from day one has been saying, I don't know why these so-called liberal people had so much hope on him. But anyway, he's been badly exposed now. And now people are seeing what he really stands for. And as far as what needs to be done, many things can be done, but unfortunately the government is not interested in doing things. We are only interested in managing headlines. We are only interested in creating issues of religious animosity. They don't want to talk about their issues. And if they don't do it fine, but the reality will hit them very badly. The way COVID cases are increasing in India is a huge cause of concern. जिस तरीके से ये वायरस फैल रहा है, इस पर मोदी गवर्नमेंट का कोई फिगर ही नहीं है उनको. इससे कोई मतलब नहीं है. आप लॉकडाउन उठा दिया, बोल दिया कि भाई हमसे कुछ नहीं हो सकता. प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कोशिश की. अब आप जाने, आपके मुखातब जाने, आपका खुदा जाने. ये हुकूमत का पैगाम. आपका सवाल मैं केटीआर के साथ खड़ा हूँ और मेरी नेक तमन्ना उनके साथ है. और तेलंगाना स्टेट के बनने के बाद मेरी राय में वो एक कामयाब मिनिस्टर अब तक रह चुके हैं यकीन है. और भी उनको करना चाहिए म्यूनिस्पल एडमिनिस्ट्रेशन में, खासतौर से हैदराबाद जिला वो मेट्रो का काम है. मगर अगर आप देखा जाए तो कैबिनेट मिनिस्टर ये जो एमबीडी की बात है, मैं तो नहीं देख पाता. मैं केटीआर के साथ हूँ और मेरा मानना है कि वो अपना क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं कि कुछ चीज से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको प्लीज करना है. और मीडिया को भी चाहिए कि वो बताए, गवर्नमेंट बताए कि कलेक्शन दिखाओ. इलेक्शन डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि तीन महीने का बिल एक साथ दिया है और उसमें बल्कि नहीं है. हम ये बोल रहे हैं कि आपको चेक करना चाहिए कितना बिल कैसे आया. हम देख रहे हैं इस बिल उसके तीन चार सोल्यूशन निकलेगा. मगर फिर से आपसे गुजारिश है कि अपने आप को बचाइए वायरस से. हुकूमत और मोदी जी के भरोसे में मत रहिए आप जो वायरस रोकते हैं. आप थाली बजाए, आप दिया जलाए, आप लोग टेरिस पे ठहर के थालियां बजाए, पटाखे फोड़े, क्या क्या करे आप? आपको जो एमएलए ने कहते ना, मिस्टर मोदी हैज टेकन यू फॉर अ राइड, प्लीज कम आउट ऑफ इट. क्या वायरस कम हुआ उनके बोलने से? वायरस बढ़ रहा है, अपने आप को बचाइए. गवर्नमेंट अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से हाथ धो धुप हो चुकी है. अपने आप को बचाइए और सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखिए, हाथ धोइए,
बीमार अगर है तो फौरन अस्पताल से रुजू करिए, अपने बुजुर्गों को रिलीजियस प्लेसेस को मत लेकर जाइए, मस्जिद को जा रहे हैं वजू करके जाइए, अपनी जानिमाज को साथ लेकर जाइए, सिर्फ फर्ज नमाज पढ़िए। जुमे के दिन काले सैफुल्ला रहमानी साहब ने फतवा दिया है कि दो जमातें जुमे की हो सकती हैं, जुमे की दो जमातें मस्जिद में हो सकती हैं, एक जमात होगी तो उसके कोई तरीका दूसरी जमात हो सकती है, इसका भी ख्याल रखिए, इसको भी अमल लगे। Thank you.